एकोंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। वाहेगुरु जी का खालसा। जी अब जो साढ़े घर हो रहा है एक छोटा जा उपराला किया गया है, असि खुद जज करिए कि गुरु साहब की कहते हैं और असि इन प्रैक्टिकल की चलते हाँ। सिर्फ 7-8 मिनट का प्ले है, अपनी कंसंट्रेशन देनी है, उतों खुद सबको मैसेज मिल जाएगा कि गुरु साहब कहना की चाहते हैं। यह एक सीन है एक प्यो ते धी दे विच दा कि घर का एक मैंबर डिजीज करके बीमार पिया होया है, तो उस टाइम की हालात होते हैं उन्हू मैं पेश करने जा रहा। वाहेगुरु की हो गया मेरे को बहुत वाला गुनाह करता मैं, जस नाल इन्ना वितकरा किया मैं, अज अगर जे जस ना होंगी तो हरमीत का की होना सी। हरमीत उत्थे बीमार पड़ी हुई है, यह गल जब मैं अपने पुत्र को दसन जा रहा तो एकदम मैं खान में पै गया कि पापा तुम मतलब अद्धी राति तंग करी जाते हो, तुम्हें पता है मैं पूरा दिन का थकिया आ रहा आया, तुम अपने आप देख लो ना क्या ऐसे दिन वास्ते असं बच्चे व्डे किए से, मेरी तो समझ तो पड़े यार की हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गया यार किता की मैं जस रहा हूं। की होया पापा अपने आप नाल की बर्ताव करदा रहे हो? बेटा मैनू माफ कर देना, अज अगर तुम ना आते तो तुम्हारी मम्मी का की होना सी, उत्ते वो बेहोशी की हालत ही चाहिए सी, वो वोमिटिंग कर रहे थे, तुसी उन्होंने मेडिसिन दित्तियां, उस तो बाद सूप बना के दिता, उन्होंने सुवा के फिर तुसी रूम तो बाहर आयो। बेटा जे तुसी ना आते तो की बनना सी उन्हां दा? अरे छड्डो पापा, ए ते बच्चियां दा फर्ज है, बच्चे नहीं करनगे ते कोई बाहर आके थोड़ी ना करेगा। बेटा ए फर्ज सिर्फ क्या तुहाडा ही है, तुहाडे वीर दा फर्ज नहीं सी? जब उन्होंने कह लिया वो तो मैं थम झिड़क के पै गया, सोचो मेरे दिल से की बीती होगी उस टाइम। अरे छड्डो पापा कुछ नहीं होगा। जब तुम्हें याद है जिस टाइम तुम 10th क्लास में पढ़ते थे तुम्हें एक मैं गल कही थी? हां जी पापा मैं याद है, तुम अगम को क्या करते थे? ऐ तो मेरा शेर पुत्र है, जल्दी जल्दी बड़े हो जा, तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना है, तो चंगी चंगी पढ़ाई कर ले, तू मेरा बिजनेस संभालना है, पर मैं तुम्हारू क्या सी? पापा बड़ी ते मैं हाँ, मैं तुम्हारा बिजनेस संभालूंगी, पर तुसी मेरू क्या सी? नहीं किए तू ते पराया धन है, तू अगले घर चले जाना है। तब मैं तुम्हारू कुछ एग्जाम्पल दिते सी, माता खीवी जी, महारानी जिंद कौर जी, ऐ साडे इतिहास दे ओ महान हस्तियां हन। माता खीवी जी जो गुरु अंगद देव जी दे महल सन, जिन्हां ने गुरु घर दे लंगर अते सेवा संभाल दी जिम्मेवारी दित्ती होई सी। महारानी जिंद कौर जी जिन्हां ने अपने पति महाराजा रणजीत सिंह जी दी अकाल सराहना तो बाद पूरा राजपाट संभाल लिया सी। पर अज दे समाज दे भी कई एग्जाम्पल हन, कल्पना चावला, मैरी कॉम, मदर टेरेसा, जिन्हां ने अपने अपने कम्मां ते वर्ल्ड लेवल ते नाम कमाया है। बेटा गल ते तुसीं बिल्कुल ठीक कीती सी, उस टाइम इतिहास के उन पन्नों को मैं अपनी लाइफ वास्ते तो कुछ अप्लाई नहीं किया, मैं समझ ही नहीं पाया उस टाइम। बाकी मैं यह जरूर समझ आ रही है कि उस टाइम मैं अपने समाजिक दायरे च इन्ना बंद गया सी कि तुहानू तुहाडे बंदे हक दे नहीं सकिया। बेटा उस वास्ते मैं माफी चाहना फिर तुहाडे कोल। पापा सानू ते गुरु साहब रोज सिखांदे हन, कबीर दीन गवाया दुनी स्यो, दुनी ना चाली साथ पाए कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। पर पापा मैं तुहाडी शुक्रगुजार हां जो तुसी मैनू गुरु दे नाल लगाए रखिया, जिदे नाल मेरी हुने तक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रही है। पर हां पापा तुसी अपने आप
जानो ऐसी रीत जितने प्यारा विसरे ऐवे ते रीति रिवाज दा भोग पा दो जिना करके साडे अंदर रब्बी गुण विसर जान। मेरे अंदर ते पंथ वास्ते हुणे भी बहुत बड़बड़े हन ते मेरे अंदर ते पंथ वास्ते खलूणा है। गुरु नानक पातशाह दी बाणी पढ़न वाली मेरी साथ संगत जियो साडी धीआं दी मौत ते उस टाइम हो जांदी है जब ओना नूं इह महसूस होंदा है कि ओना दे जन्म दिन ते खुशियां नहीं मनाईयां जांदियां ना मिठाइयां वंडियां जांदियां हन पर जब ओहदे वीर दा जन्म होंदा है ते खुशियां भी मनाईयां जांदियां हन मिठाइयां भी वंडियां जांदियां हन फंक्शन कीते जांदे हन कि ऐ सब कम इक बेटी दे जन्म ते क्यों नहीं कि बेटी इन सब चीजा दी हकदार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो सच दी मत लैण वाली मेरी साथ संगत जियो साडी धीआं दी मौत ते उस टाइम हो जांदी है जब ओना नूं इह महसूस होंदा है कि ओना दे वीरां नूं प्राइवेट स्कूलां विच पढ़ाया जांदा है ते ओना दीआं भैणां नूं गवर्नमेंट स्कूल च पा दित्ता जांदा है क्योंकि ओह पराया धन है ओना ने अगले घर चले जाना है। एक मौत ते ओहदी भुख दे अंदर होंदी है और बार बार दी मौत ते ओहनूं इह संसार विच आ के भोगणी पैंदी है। ओह अपना पूरा जीवन इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे अंदर जींदी है। बेटा गुरबाणी नूं इस नजरिए नाल तां मैं कदे समझण दी कोशिश ही नहीं कीती कि गुरबाणी सानूं ऐवें जी जीवन जांच के सिखांदी है। मैं बड़ा हैरान हो रहा बेटा। अरे नहीं पापा एक हलूणा ते अज मेरी भैणां नाल भी है। कहंदे हन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट एजुकेशन सभ्यता ही असली पढ़ाई है पर असी सभ्यता दे नाम ते जो एजुकेशन लै रहे हां ऐवें जी एजुकेशन दा की फायदा कि असी अपने ब्याहां ते पेरेंट्स दा की डिमांड रखदे हां सानू वेल एजुकेटेड अच्छे पैकेज वाला उस तो बाद रिंग सेरेमनी मेहंदी दी रात ते दाज विच कार बहुत समान चाहिदे हन। बेटा ऐ ते मां-प्यो अपनी खुशी नाल बच्चे नूं दिंदे हन ना ऐ कोई दार थोड़ा होया है ते मां-प्यो दी खुशी अपने बच्चों वास्ते। ओ रियली पापा क्या ऐ गल सच्ची है? गल सिर्फ खुशी दी है या लोका दी कि लोग की कहेंगे बिरादरी की करेगी सानू चिंता होंदी है कि लोग की कहेंगे गुरु साहब की कहते हैं सानू ओदी चिंता कोई नहीं। और दूजी गल कि सानू मुंडे वर्गे दी काबिलियत ते शक होंदा है कि ओ साडी धीआं नूं जरूरतमंद समान दे सकदे हन या नहीं। ऐसी करके अज साडे समाज दे हालात इहो जे बन गए हन जद इक धी अपने ससुराल जांदी है ते सब लोग पुछदे हन कि ऐ नूं की लै के आई है पर कोई सोचदा नहीं कि एक धी की छड के आई है। गुरबाणी सानू रोज सिखांदी है होर मनमुख दाज जे रख दिखाले से कूड़ अहंकार कछ पाजो ऐवें जी चीजां जो असीं दाज विच मंगदे हां ऐ ते बिनसर हार हन होर इहनां ने साडे मन दे अंदर अहंकार ही पैदा करना है। आओ मेरियो भैणो गुरु साहिब भी सानू दाज लै के जाणा सिखांदे हन पर ओह केड़े दाज दी गल करदे हन आओ असीं गुरु साहिब तों पुछदे हां। हर ब्रह्म मेरे बाबूला हर देवो दान में ताजो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहे गुरु।